नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज बिहार झारखंड 17 जनवरी रविवार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया दायल। आज के मुख्य समाचार। इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह के परिवार से तेजस्वी यादव ने की मुलाकात। रांची में अस्पताल निर्माण में हो रही देरी पर भड़के सीएम सोरेन, बोले 14 साल में तो वनवास भी खत्म हो जाता है। बिहार में जेडीयू के छात्र नेता को मारी गोली, अस्पताल में है भर्ती। रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर पप्पू यादव ने कटिहार के डीएम पर लगाए संगीन आरोप। लालू प्रसाद यादव की बेटी मिलने पहुंची रिम्स, बोली पापा की हालत ठीक नहीं। अब खबरें विस्तार से। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह के परिवार से उनके छपरा आवास पर मुलाकात की। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर खास अपील की है कि मेरा नीतीश कुमार से निवेदन है, हम जानते हैं आप कमजोर सीएम हैं, लेकिन अपने पद के लिए कृपया मानव जीवन का बलिदान नहीं होने दें। राज्य में अपराध को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी आपकी है। बता दें कि 12 जनवरी को कुछ अज्ञात अपराधियों ने रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन उस वक्त काफी भड़क गए जब उन्होंने देखा कि एक अस्पताल का निर्माण 14 साल पहले से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि 14 साल में तो वनवास खत्म हो जाता है। 14 साल एक बड़े से बड़े काम को पूरा करने के लिए काफी अधिक होते हैं, फिर भी 14 साल में सदर अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ? साल 2007 में शुरू किए गए सिविल अस्पताल को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में बदलने के मेगा प्रोग्राम को ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सीएम ने गंभीर आपत्ति जताते हुए अस्पताल निर्माण का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बिहार में अपराधियों के हौसले चरम पर हैं। बीते दिनों हुआ रुपेश हत्याकांड के बाद एक और अपराध सामने आया है। पटना में जनता दल यूनाइटेड के एक छात्र नेता को अपराधियों ने गोली मार दी है, जिसके बाद छात्र नेता गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल छात्र नेता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड के इस पीड़ित छात्र का नाम आलोक तेजस्वी है और वह पटना जिला ग्रामीण के युवा इकाई का अध्यक्ष है। जानकारी के अनुसार शनिवार रात आलोक तेजस्वी अपने गांव से कहीं जा रहा था और उसी दौरान अपराधियों ने उसे गोली मार दी। पुलिस फिलहाल उस पूरे मामले की जांच कर रही है कि किन लोगों ने छात्र नेता की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया है। रुपेश कुमार सिंह हत्याकांड को लेकर जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि बिहार के एक डीएम द्वारा कटिहार में 70 आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों को लाइसेंस दिया गया है। इस डीएम और रुपेश सिंह में क्या संबंध है, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में बड़े पैमाने पर ठेकेदारी में दखलंदाजी के कारण रुपेश सिंह की हत्या तो नहीं हुई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि दरभंगा में नहरों के निर्माण में होने वाली ठेकेदारी में रुपेश की भागीदारी को भी हत्याकांड से जोड़कर देखा जाना चाहिए। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनकी तीसरी बेटी चंदा यादव ने रिम्स में मुलाकात की। करीब 3 घंटे तक पिता और बेटी में बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक इस दौरान पिता की गिरती सेहत को देखकर बेटी चंदा बेहद भावुक हो गई और पिता से लिपटकर रोने लगी। बेटी को रोता देख कुछ पल के लिए पिता का भी दिल भर आया। हालांकि बाद में लालू प्रसाद यादव ने चंदा को समझाया
और भरोसा दिलाया कि वह ठीक हैं और जल्द ही जेल से छूटकर घर आएंगे। पिता से मिलने के बाद चंदा ने बताया कि वो अपने पिता का हाल जानने रांची आई है। मुलाकात के दौरान कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल।